स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल रुदौली ट्रांजैक्शन क्लब में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई ट्रेन की खबर जो कि लखनऊ को मिलने वाली है। जैसा कि कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि लखनऊ से पटना के लिए एक नई वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जाएगा। बात करें लखनऊ से जो पटना को वंदे भारत चलेगी, इसका रूट क्या होगा, कब से यह ट्रेन चलेगी और कहां कहां पर इसका ठहराव होगा, सभी चीज़ों की जानकारी देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हमारे चैनल पर आपको नए ट्रेनों से संबंधित एवं बाराबंकी अयोध्या जंक्शन, अकबरपुर शाहगंज जौनपुर के बीच में जो दोहरीकरण का कार्य चल रहा है उस पर भी ताज़ा अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सभी को पता है कि लखनऊ से गोरखपुर के बीच में एक वंदे ट्रेन का संचालन किया जा रहा है जो कि गोरखपुर से बस्ती, मनकापुर, अयोध्या, बाराबंकी के रास्ते लखनऊ चारबाग तक चलाई जाती है। और इसी कड़ी में अब एक और नई वंदे भारत को लखनऊ से जोड़ा जाएगा जो कि लखनऊ से पटना के बीच में चलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रैक मैन्युफैक्चरिंग भी रेल कोच फैक्ट्री से रेलवे बोर्ड को सौंप दिया गया है। माना जा रहा है कि बोर्ड की ओर से जल्द ही इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। इसके अलावा लखनऊ से देहरादून के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने को लेकर भी सर्वे किया गया है। उत्तरी रेलवे के लखनऊ और मुरादाबाद डिवीजन की ओर से यह सर्वे पूरा हुआ है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया तेजी से जारी है और जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो ये नई वंदे भारत लखनऊ से पटना के बीच में चलनी है इसका क्या रूट होगा। तो जो खबरें प्रकाशित हुई हैं अखबारों में उसके मुताबिक जो रेलवे के अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि यह ट्रेन लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, आरा जंक्शन होते हुए पटना जंक्शन तक जाएगी। और इस ट्रेन के लिए उत्तर रेलवे ने लखनऊ रेल मंडल व दानापुर रेल मंडल के साथ साथ डीडीयू रेल मंडल, वाराणसी रेल मंडल ने रूट सर्वे भी पूरा कर लिया है। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि रेल कोच फैक्ट्री से रेलवे बोर्ड को लखनऊ पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का जो रैक होता है उसका भी आवंटन कर दिया गया है। बोर्ड जल्द ही इसकी अधिसूचना भी जारी कर सकता है। वहीं एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ से पटना जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ से चलने के बाद सुल्तानपुर, जाफराबाद, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, आरा जंक्शन के रास्ते पटना जंक्शन तक चलाई जा सकती है। हालांकि इसका अंतिम फैसला उत्तर रेलवे ही लेगा और कौन सा रूट इसका होगा जब इसका फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा तभी यह पता चल सकेगा कि यह ट्रेन किस रूट से जाएगी। आपके हिसाब से इस नई वंदे भारत ट्रेन का रूट क्या होना चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो लखनऊ से पटना के बीच में हमारी नई वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जाएगा इसका लखनऊ से चलने का क्या टाइम रहेगा। तो जानकारी के अनुसार लखनऊ से पटना के लिए यह ट्रेन सुबह में रवाना हो सकती है और वहीं पटना से लखनऊ के लिए यह ट्रेन पटना से सुबह रवाना हो सकती है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस के समय का निर्धारण उस सेक्शन पर दौड़ने वाली ट्रेनों की रिपोर्ट के आधार पर इस नई वंदे भारत का टाइम टेबल तैयार किया जा रहा है। रेल सूत्रों के अनुसार लखनऊ से जो पटना के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी इसका रखरखाव जो होगा लखनऊ यार्ड में रात में इसका रखरखाव होगा। मेरे हिसाब से जो लखनऊ से पटना के बीच में नई वंदे भारत प्रस्तावित है इसका रूट अगर लखनऊ से चलने के बाद अयोध्या, अयोध्या से जो हमारी ब्रांच लाइन है रेलवे की सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज के रास्ते वाराणसी और फिर उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, आरा जंक्शन के रास्ते पटना जंक्शन तक चलाई जाए तो जो हमारी एक और नई वंदे भारत प्रस्तावित है लखनऊ से अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रयागराज जंक्शन से वाराणसी तक उसकी कमी पूरी हो जाएगी और आपको एक नई ट्रेन चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिलहाल इस पर अंतिम फैसला रेलवे ही लेगा। दो रूट प्रस्तावित हैं जो हमारी मीडिया रिपोर्ट हैं उनके अनुसार एक लखनऊ से अयोध्या, सुल्तानपुर, वाराणसी जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, आरा जंक्शन के रास्ते पटना जंक्शन तक चलाई जा सकती है। वहीं वंदे भारत का दूसरा रूट लखनऊ से सुल्तानपुर, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, आरा जंक्शन एवं पटना जंक्शन है। तो आपके हिसाब से इस नई वंदे भारत ट्रेन का कौन सा रूट सबसे बेस्ट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।